अब नए वीडियोस देखिए हर वेंसडे और सैटरडे को। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बिहारी जायका में। आज हम बनाएंगे मिक्स वेज। आज हम इसे इजी तरीके से बना रहे हैं। ये रोटी पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है। अगर आपके बच्चे सब्जियां खाना नहीं पसंद करते हैं तो आप इस तरीके से बना करते वे जरूर पसंद करेंगे। इसे बनाने के लिए चाहिए गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, बीन्स, मटर, पनीर। सारी सब्जियों को छोटे छोटे पीस में काट लें। आप सब्जियों की क्वांटिटी अपने हिसाब से लें। एक प्याज को डाइस में काट लें, 3 बड़े साइज के कटे हुए प्याज, 2 बड़े साइज के कटे हुए टमाटर, 3 हरी मिर्च, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पत्ता। अब कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच तेल लें। जब तेल गर्म हो जाए तब पनीर डालें। पनीर को हमें 10 सेकेंड ही फ्राई करना है। अब पनीर को निकाल लें। शिमला मिर्च डालें, हाई फ्लेम पे 1 मिनट फ्राई करके निकाल लें। ऐसे ही करके हमें सारी सब्जियों को 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। बीन्स को फ्राई करें। गाजर को फ्राई करें। प्याज को 10 सेकेंड तक फ्राई करके निकाल लें। गोभी को फ्राई कर लें। फ्राई करने से सब्जियों का फ्लेवर बढ़ जाएगा और ये देखने में भी अच्छी लगेगी। मटर को फ्राई करें। सारी सब्जियां फ्राई हो चुकी हैं। अब तेल में 2 तेज पत्ता और आधा चम्मच जीरा डालें। जीरे को 1 से 2 सेकेंड भुनें। अब प्याज डालकर हल्का गुलाबी होने तक भुनें। अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर 1 मिनट भून लें। अब टमाटर डाल दें। टमाटर के गलने तक भूनना है। थोड़ा नमक डाल दें जिससे टमाटर अच्छे से गल जाए। मिक्स करते हुए भुनें। जब टमाटर गल जाए तब आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर डालकर भुनें। 1 से 2 चम्मच पानी डाल दें जिससे मसाले जले ना। 1 मिनट तक मसालों को भून लें। अब हरी मिर्च को बीच से काट कर डालें। मसालों के साथ थोड़ी देर भून लें। अब फ्राई किए हुए सब्जियां डालें। मसाले में अच्छे से मिला दें। स्वाद अनुसार नमक डालकर मिलाएं। नमक हमने पहले भी डाला था, उस हिसाब से नमक डालें। अब सब्जियों को 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भूनें। अब पनीर, प्याज, आधी छोटी चम्मच कसूरी मेथी और 1/4 चम्मच गरम मसाला डालकर मिलाएं। अब लास्ट में धनिया पत्ता डाल दें और फ्लेम ऑफ कर दें। अब आपकी मिक्स वेज बनकर रेडी है। आप देखिए ये कितनी टेस्टी और कलरफुल लग रही है। आप इसे इस तरह से एक बार ट्राई करें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।